हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल अनअकैडमी गेट सी। आई होप इट इज़ ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो भाई फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। सेशन को जरा लाइक शेयर कर दो फटाफट यार सब लोग। चलो चलो ठीक है भाई, जल्दी शुरू करते हैं हम, वैसे ही टाइम निकल गया काफ़ी। सो एवरीवन नोज मी टिल नाउ, आई एम चेतन सक्सेना और एक इवॉल्व बैच हमारा शुरू हो रहा है 28 दिसंबर को। ये सारे एजुकेटर्स जो तुम यहाँ देख सकते हो, सब लोग उसमें पढ़ाने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 28 दिसंबर को शुरू हो चुका है बैच, ठीक है। तुम लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, बढ़िया से चल रहा है अभी, सॉइल इसमें शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसमें एनरोल करने के तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, सब लोग को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेने के तुमको क्या करना है, सिंपल से अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर पेमेंट में जाओ और बढ़िया से सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे आइकॉनिक का चाहे प्लस का, ठीक है। जैसे फ़ायदे तुम लोग को पता है, फ़ायदे भाई तुम लोग को पता है सब कुछ, ठीक है, ओके। और मुझे तुम लोग जानते ही हो यार, ठीक है। ये सब मेरा प्रोफाइल है, इसको तुम लोग पढ़ लेना और सब्जेक्ट्स में इन सब मैं कंफर्टेबल हूँ। कोड मेरा क्या है भाई, CS10, जिसको यूज़ करके तुम लोग अनअकैडमी की फ्री क्लासेस दे सकते हो, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस दे सकते हो। इनवाइट कोड क्या लगाना पड़ेगा, फ्री क्लास देखने के लिए इनवाइट कोड जो यूज़ करना पड़ेगा वो क्या है, CS10, ठीक है। वो क्या है भाई, CS10, ठीक है, ओके। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी तुमको कोड का यूज़ करना पड़ेगा, CS10, ठीक है। फीस वगैरह देख लेना यार, ऐप डाउनलोड करना सिंपल सा, ठीक है, सिंपल से ऐप डाउनलोड कर लेना और बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद यार देखो, अनअकैडमी की ऐप है तुम्हारी, अनअकैडमी की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, सिंपल से डाउनलोड कर लो, है ना। और वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस देखो, रात में 9 बजे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स की। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर भी रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे अनअकैडमी की ऐप में जाओ, डाउनलोड करो और वहाँ पर गेट ESC गोल सेट कर लो और उसमें मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। GATE ESC गोल सेट करके मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और वहाँ पे तुमको बढ़िया बढ़िया स्पेशल क्लासेस मिलेंगी तुम लोग को, ठीक है, शानदार स्पेशल क्लासेस तुम लोग को मिलेंगी। चलो ये हो गई बेसिक बातें। और टेलीग्राम चैनल मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वो है चेतन सर CS10, इसको भी फॉलो कर लो क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मेरी यूट्यूब की जितनी PDFs वगैरह है वो सब तुम्हें यहाँ मिलेंगी। उसके बाद मेरी हर एक वीडियो जो भी आ रही है उसकी नोटिफिकेशन तुमको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो जॉब अपडेट्स वगैरह कुछ भी होती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली डाल ही देता हूँ बिना कहे, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देख लेना, ओके। तो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जरा आते हैं फटाफट इरीगेशन के ऊपर। आज सर ख़त्म कर देते हैं इरीगेशन, आज इरीगेशन ख़त्म कर देते हैं, बहुत हो गया है इरीगेशन, सर उड़ा दीजिए आप। तो देखो भाई जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इरीगेशन ख़त्म करते हैं। तो देखो यार अपने गेट के सिलेबस में यार बस कैनाल बना दी है और सॉइल मॉइस्चर वाटर रिक्वायरमेंट ही है। तो यहाँ पर हम लोग यार देखते हैं आज, देखो यार हम लोग ये सॉइल मॉइस्चर वाटर रिक्वायरमेंट वाटर लॉगिंग कैनाल डिजाइन कैनाल डाइवर्जन सीपेज थ्योरी ये सब पढ़ लिया यार। अब तो तुम मान के चलो इरीगेशन खत्म ही हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब तो बस टाइम पास कर रहे हैं, इन सबसे कुछ आना वाना है नहीं, ठीक है। एक टॉपिक है क्रॉस ड्रेनेज, उससे एक आ सवाल बन सकते हैं, कैनाल रेगुलेशन और डैम स्पिलवे से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन इससे आ जाए, ठीक है। तो चलो जल्दी से और कवर कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो इसका मतलब अब भी आएगा, अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया तो उसका मतलब ये नहीं आवाज देगा, क्योंकि टाइम टाइम क्या है, चीज़ें चेंज हुई हैं, टाइम टाइम सिलेबस चेंज हुआ हमारा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है भाई, ठीक है। तो इरीगेशन वगैरह सब आपने पढ़ाई दी हम लोग को, कितने टाइप्स थे, मेथड्स थे, सब आपने हम लोग को अच्छे से बताया था, याद रखो। देखो स्लाइड हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी की बात हुई थी, इलेक्ट्रिकल सोडा एब्जॉर्प्शन रेशियो ये सब तुमने देखा था, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप फॉर्मूले वगैरह तुमने सारे देखे थे, गामा डी के है ना, गामा डेप्थ ऑफ वाटर के, ये सब हमने बेसिकली देखा था। क्रॉप सीजन्स, बेस पीरियड, ड्यूटी डेल्टा रिलेशनशिप था, सब कुछ देखा था यार हम लोग ने, एक एक चीज़ कवर किया। फिर हमने कुछ टर्म्स देखे थे, फिर हमने इरीगेशन एफिशिएंसीज देखी थी, वाटरिंग इंटरवल निकाला था, कितनी बार इरीगेशन करना है वो निकाला था, इरीगेशन एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी किए थे, सब कुछ पढ़ रखा है यार। इरीगेशन की रिक्वायरमेंट देखी है, फिर कितने टाइप कैनाल्स होते हैं वो सब हमने देखा, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग बहुत कुछ देखा हम लोग ने यहाँ पे। उसके बाद सर उन्होंने क्या किया था, उसके बाद सर आपने हम लोग को लाइन एंड लाइन के बारे में बताया थोड़ा सा, फिर आपने स्टेबल चैनल्स क्या होते हैं वो बताया, कैसे डिज़ाइन होते हैं स्टेबल चैनल्स, दो थ्योरी बताई, कैनेडी और लेसी की थ्योरी आपने बता दी सर आप लोग को, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं। उसके बाद लेसी थ्योरी कैनेडी थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है वो आपने बताया है, ऑब्वियसली लेसी थ्योरी में थोड़ा सा फॉर्मूले ज़्यादा है, थोड़ा सा एम्पिरिकल है, ठीक है। तो लाइन कैनाल, फिर सर कल आपने कैनाल डाइवर्जन के बारे में बताया था। तो चलो अपनी क्लास को यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। कल यार देखो कैनाल डाइवर्जन के बारे में बताया था, कल सर आपने ये बताया था कि सर हम लोग नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं कैनाल में, नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं कैनाल में, सामने एक वियर बनाते हैं या बैराज बनाते हैं, ठीक है। गेट बना तो बैराज है और अगर रेस फ्लोर है तो वो मेरा वियर है, ये मेरा वियर, ये मेरा बैराज, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले ही रहे, अकेले गेट रहे, कभी कभी कॉम्बिनेशन भी चलता है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन भी चलता है। तो उसमें क्या होता है, गेट भी रहता है और गेट भी रहता है और अपना रेस्ड फ्लोर भी रहती है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें रहती हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से चलता है। अब भाई उनको देखो स्ट्रक्चर में सब समझा दिए थे कि डिवाइड वॉल क्या होती है, डिवाइड वॉल क्या करती है, अपने जो अंडर स्लूस वाली साइड है और जो उधर वाली साइड है उसको सेपरेट करती है। इधर की जो ज़मीन है, अंडर स्लूस वाली साइड की जो फ्लोर है वो थोड़ी नीचे है और उधर की फ्लोर थोड़ी ऊपर है। ये अपना वियर है, ये इधर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इधर लेंथ काफ़ी कम होती है। पानी आता है यहाँ शांति से रहता है, क्वाइट पॉकेट स्टील पॉकेट बन जाती है और सारी सिल्ट जो होती है नीचे बैठ जाती है सिल्ट एक्सक्लूडर के अंदर। और बहुत सारी जो सिल्ट बचती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर स्लूस से निकाल देते हैं, अंडर स्लूस से निकाल देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। फिश लैडर है कि भाई जिन मछलियों को डाउन स्ट्रीम सब स्ट्रीम में जाना है वो जा सकती है, ठीक है। और ये अपने रिवर ट्रेनिंग वर्क है। उसके असर आपने बताया था कि सर जब वियर बन जाता है, जब वियर बन जाता है तो पीछे पानी ज़्यादा है आगे पानी कम है, तो उससे होता है क्या, नीचे से पानी सीप करता है इस फ्लोर की जो आपने कंस्ट्रक्शन करा उसके नीचे से पानी क्या करता है सर, सीप करके आगे आने की कोशिश करता है जहाँ तक आप फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, पानी सीप करने की कोशिश करता है। तो सीपेज जब होता है तो यहाँ पे सर दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक होता है पाइपिंग फेलियर, एक होता है अपलेट फेलियर, याद आ रहा होगा तुमको। फिर हमने देखो सीपेज थ्योरीज पढ़ी, एक पढ़ी ब्लिक्स थ्योरी, एक हमने पढ़ी ब्लिक्स सीप थ्योरी, एक हमने पढ़ी लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी और एक हमने पढ़ी खोसला थ्योरी, ठीक है। या फॉर्मुला वगैरह देख लो, फॉर्मुला वगैरह देख लो, ये सब अपना थिकनेस ऑफ फ्लोर का फॉर्मुला था, इससे गेट ओपन बन सकता है। लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तो भी क्या होगा, पाइपिंग और अपलिफ्ट से बच जाओगे, ठीक है। लेंथ बढ़ा दो, अपस्ट्रीम पाइप लगा दो, डाउन स्ट्रीम पाइप लगा दो, फ्लोर की लेंथ को बढ़ा दो, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे तो बढ़िया काम होगा, खोसला थ्योरी अपनी हो जाएगी, ठीक। चलो भाई उसके बाद अपना खोसला थ्योरी में एग्जिट रिटर्न क्या है, एच अपॉन डी पाई अंडर रूट लेमडा, एच अपॉन डी पाई अंडर रूट लेमडा, ये अपनी क्या है, एग्जिट रिटर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, गेट में आ सकता है, सीधे देख लेना क्वेश्चन। और एग्जिट ग्रेडियंट इनफाइनाइट अगर हो गया तब होगा जब हमारे डाउन स्ट्रीम में हम लोग कट ऑफ पाई नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये सब तुमने कल पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया था और हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्जिट ग्रेडियंट कम से कम रहे, क्योंकि जितना एग्जिट ग्रेडियंट कम रहेगा क्रिटिकल वैल्यू से उतना हम लोग सेफ रहेंगे, उतना इरोजन नहीं होगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है हमारी, क्रिटिकल अपॉन एग्जिट, आई क्रिटिकल अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ रखा था सब कुछ। और फिर जाते जाते हमने लास्ट में पढ़ा था कि इनका इंडिपेंडेंट वैल्यू से हिसाब किताब, पोटेंशियल यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल क्या होता जाता है सर, कम होता है। सी और सी डैश से पोटेंशियल मिला के क्या होता है 100, और डी और डी डैश से पोटेंशियल मिला के कितना हो जाता है 100, ठीक है। इतना हम लोगों ने याद किया था, आई होप उनको ये सब याद आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं फटाफट कैनाल रेगुलेटरी हेडवर्क्स। एक सेकंड गुजरा, अब आओ फटाफट शुरू किया जाए कैनाल रेगुलेटरी वर्क क्या होते हैं, सुनो भाई। तो ये जितना भी यार कैनाल रेगुलेशन वर्क है, ये जितना भी कैनाल रेगुलेशन वर्क है यार, इसका मतलब क्या है भाई, सुनो। पानी कैनाल के अंदर जाता है, कैनाल पानी पानी क्या होता है, कैनाल के अंदर जाता है। यहाँ देखो डायग्राम जरा, इधर देखो पानी कैनाल के अंदर जा रहा है, लेकिन अपने साथ वो दो तीन चीज़ें लेके जाता है। देखो पानी यहाँ आएगा सर, इधर कैनाल में मुड़ेगा, ये देखो कैनाल में पानी इधर जाएगा, ओके ठीक है। इधर पानी कैनाल में जाएगा और अपने साथ दो तीन चीज़ें लेके जाएगा, एक तो पानी जा रहा है खुद और नीचे साथ में जा रही है सिल्ट, ठीक है। तो पानी और सिल्ट, अब यार सर ये बताइए कैनाल में पानी जब एंटर कर रहा है तो मुझे कैनाल को रेगुलेट भी करना है। रेगुलेट कैसे करेंगे कि उसमें कितना पानी जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, डिस्चार्ज कितना है, पानी की डेप्थ कितनी है, ये सब चीज़ें मुझे रेगुलेट करनी पड़ेंगी, है ना, कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो अब कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को नज़र मारें हम लोग जल्दी से, उन स्ट्रक्चर्स को नज़र मारें। तो पहला सुनो, कैनाल रेगुलेशन वर्क क्या है कि हम वेलोसिटी को, डिस्चार्ज को, पानी की डेप्थ को और सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उन्हीं वर्क्स को, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रेगुलेशन वर्क्स, कैनाल रेगुलेशन वर्क्स, ओके सर। अब सर सबसे पहला जो देखो, चार पांच पढ़ने बहुत सिंपल सिंपल हैं। पहला तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लो कैनाल फॉल्स, ये क्या होता है समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैनाल रेगुलेटर्स, उसके बाद कैनाल एस्केप देखेंगे और लास्ट हम लोग देखेंगे कैनाल आउटलेट, ठीक है। ये चार हम लोग को पढ़ने हैं और बाकी मीटिंग फ्लूम वगैरह भी होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो फटाफट यार तैयार हो जाओ और फिर हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क जानेंगे, ठीक है। तो ये अपना आज की क्लास का मेन एम है, बहुत सिंपल है। देखो कैनाल फॉल क्या होता है, पहले देखो मान लो हमारी ये जो जमीन है, देखो कैनाल फॉल या ड्रॉप होता क्या है, जमीन जब बहुत ज्यादा स्टीप होती है, बहुत ध्यान से मेरे भाई सुनना है, कंफ्यूजन आ जाएगा बहुत। सर जमीन जब बहुत स्टीप होती है, ग्राउंड जब बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है आपका, तो होता क्या है, हम लोग अब ग्राउंड बहुत स्टीप है, अब तुमको कैनाल बनाना था यार, तुमको बनाना है भाई क्या, कैनाल। सर ग्राउंड बहुत स्टीप है, कैनाल हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा डिजाइन बेड स्लोप ये दिया गया है, देखिए ये जो देख रहे हो ये लाइन, हम चाहते हैं कैनाल का लेवल ये आ जाए, लेकिन अपना एक्चुअल ग्राउंड तो बहुत स्टीप है, तो मैं क्या करूंगा,
इस स्टीप ग्राउंड की स्लोप को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कटिंग करूंगा, मिट्टी को काट दूंगा और यहाँ मिट्टी को फिल कर दूंगा, बताओ यस और नो। लेकिन इसमें होगा क्या, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा सर, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जब आप यार कुछ सोचो, तुम्हारा पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रहे हो मुझे रोड निकालेंगे, तो क्या पूरा पूरा पहाड़ थोड़ी उड़ा देंगे, पूरा पूरा पहाड़ थोड़ी उड़ा देंगे यार। सीधी बात यही वहां पे भी ये है कि सर स्लोप बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो हमारे कैनाल की बेड स्लोप मुझे देनी है, कैनाल की बेड स्लोप जो हमने डिजाइन की है कैनेडी या लेसी फॉर्मूले से, वो हमको बहुत कम देनी है, वो बहुत कम देनी है एज कम्पेयर टू स्टीप ग्राउंड। तो ग्राउंड बहुत स्टीप है सर, आप करें क्या, तो देखो हम लोग क्या करते हैं ताकि एक साथ बहुत पैसा ना लग जाए, ठीक है। अब हम ये वाला पूरा एरिया देखो, सीधी बात समझो, ये पूरा मिट्टी हमको कट करनी पड़ जाएगी, ठीक है, एक्सकेवेट करनी पड़ जाएगी और यहाँ पर मिट्टी भरनी पड़ जाएगी, यहाँ भरनी पड़ जाएगी, तब जाके तुम्हारा ये लेवल अचीव हो पाएगा और कैनाल बन पाएगी। लेकिन इसमें खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सर हालत खराब हो जाएगी। तो हम करते क्या है, सुनिए सर, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेप्स वगैरह दे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो बेड स्लोप आई है हमेशा उसके पैरेलल में मिट्टी देते हैं, ठीक है, उसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं, ठीक। फिर एकदम अचानक से एक ड्रॉप देते हैं, अचानक से एक ड्रॉप देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनाल फॉल, क्या बोलते हैं, कैनाल फॉल। फिर सर डिजाइन बेड स्लोप के पैरेलल चलते हैं, फिर एक ड्रॉप देते हैं, फिर डिजाइन बेड स्लोप के पैरेलल चलेंगे, फिर एक ड्रॉप देंगे, फिर डिजाइन बेड स्लोप, फिर एक ड्रॉप देंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, जो स्टीप ग्राउंड है, देखो ये जो ड्रॉप एकदम अचानक से दिया गया इसलिए दिया गया है ताकि तुम स्टीप ग्राउंड की स्लोप को मैच कर सको, ताकि उस स्टीप ग्राउंड स्लोप को मैच कर सको। ये बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो इसका मतलब ये देखो, अब होता फायदा क्या हुआ, जब तुमने ऐसे करके इस ड्रॉप दे दिया तो देखो जरा सी मिट्टी यहाँ कट करनी पड़ेगी और यहाँ जरा सी फिल करनी पड़ेगी, जरा सी मिट्टी कट कर दो मतलब यहाँ पे निकाल दो, एक्सकेवेट कर दो और जरा सी मिट्टी यहाँ फिल कर दो, तुरंत हमारी ये जमीन तैयार। तो इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता यार, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और जो तुम्हारी स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, स्टीप स्लोप पे चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अब जैसे तुम यहाँ बगल में डायग्राम देख रहे हो यार, तुम देखो यार स्लोप थोड़ा ध्यान से देखो, जमीन की स्लोप कितनी हाई है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम देखो इस जमीन की स्लोप बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से अपनी जमीन नीचे आ रही है, स्टीप ग्राउंड है काफी। तो अचानक से देखो उन्होंने क्या किया, अब उस स्टीप ग्राउंड को अगर, ठीक है, पूरा पूरा ये मिट्टी उड़ाने से अच्छा है, पूरा पूरा ये मिट्टी उड़ाने से अच्छा है, इन्होंने क्या किया, एक जगह से ड्रॉप दे दिया। हुआ क्या, ड्रॉप देने से एकदम से पानी के लिए एकदम नीचे आता है और हम तुरंत स्टीप ग्राउंड से, मतलब स्टीप ग्राउंड में तुरंत जो अपने डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हाइट में जो डिफरेंस उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में तुमसे पूछेगा व्हेन ग्राउंड इज स्टीपर, व्हेन ग्राउंड इज स्टीपर तो क्या हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो बोलोगे जब ग्राउंड स्टीप होता है तो जो डिफरेंस इन स्लोप है कैनाल की, जो बेड स्लोप हमें प्रोवाइड करनी है और जो अपना ग्राउंड का एक्चुअल स्टीप स्लोप है वो ज्यादा है, तो उस स्लोप के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं बेटा, कैनाल फॉल देते हैं। याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। जब जब समझ में आता चले कमेंट बॉक्स में तहलका मचना चाहिए, कमेंट बॉक्स में तहलका मचाते चलना भाई, ठीक है। ओके सर, आज थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ये सर हो जाएगा अपना कैनाल फॉल्स, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा सर मेरा आ रहा है, दूसरा मेरा क्या आ रहा है सर, कैनाल रेगुलेटर्स। सर कैनाल रेगुलेटर क्या है, बहुत सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं है सर, देखो ध्यान से। सर ये मेरी मेन रिवर है, देखना बहुत ध्यान से, ये सर मेरी मेन रिवर है, ओके। अब सर होता क्या है, मेरी मेन रिवर से इधर वाटर जाता है कैनाल के अंदर, ये मेरा ऑफ टेकिंग कैनाल है, चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल कह सकते हो, तो पानी सर जा रहा है इसमें, ठीक है यार। अपनी नदी पे याद करो, हमने वियर बनाया था, अपनी नदी पे हमने क्या करा, मेन वियर बना दिया मेन नदी पे। देखो यार ये सब क्या है, ये सब हमारे गेट्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हो गेट हैं, ये तुम्हारे क्या है, पिलर्स हैं, ठीक है, पियर्स होते हैं, ये पियर्स रहते हैं, एंड में होते हैं क्या, अबेटमेंट, एंड में क्या होता है, अबेटमेंट, ये जो एंड वाला देख रहे हो ये, और ये अबेटमेंट है क्योंकि ये एकदम एंड में जुड़ा हुआ है, इसको अबेटमेंट बोलते हैं, पूरा फुल सपोर्ट या कह सकते हो सपोर्ट, तो उन्होंने बीम देखे होगा तो बीम में सपोर्ट देते हो ना एंड में, वही चीज़ है सेम, ठीक है, ओके सर। ये अपना भाई क्या है, पियर है ये सारा, ये क्या है, पियर है। उसके बाद ये अपना क्या है, गेट्स, ये क्या है अपना, गेट है, ठीक है, ओके। चलिए सर, अब मेन रिवर हमारी जा रही है, हमने नदी के बीचों बीच क्या कर दिया, एक रास्ता बीचों बीच हमने क्या करा, पॉन्डिंग करने के लिए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर। देखना दो रेगुलेटर मेरे भाई, सुन लो सब लोग, रेगुलेटर यहाँ पे मेरे दो हैं जो मुझे पढ़ने हैं, एक अपना है हेड रेगुलेटर और एक अपना है क्रॉस रेगुलेटर, दोनों के बारे में ही सर चर्चा करने जा रहे हैं, एक अपना हेड रेगुलेटर है और एक अपना क्रॉस रेगुलेटर है। तो हेड रेगुलेटर सर कहाँ बनता है, कैनाल के ऊपर, क्रॉस रेगुलेटर कहाँ बनता है सर, नदी के ऊपर। देखो तो मेन रिवर अपनी चल रही थी, रिवर के अक्रॉस आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो मेरा कहलाता है क्रॉस रेगुलेटर, और पानी जब इधर मुड़ रहा है कहाँ, कैनाल में, तो कैनाल के भी मुंह पे आपने सर क्या बनाया, हेड पे आपने एक रेगुलेटर बनाया, गेट्स वगैरह बना दिए, पीछे मैं दिखा चुका हूँ लोग कैसे डायग्राम, गेट्स वगैरह बना दिए, इनको बोलते हैं हेड रेगुलेटर। तुमसे पूछे हेड रेगुलेटर काम क्या है, सुनो भाई सीधी बात है सर, कैनाल में पानी जा रहा है, मिट्टी जा रही है सर, हेड रेगुलेटर का आप गेट्स और नीचे जो टनल्स होते हैं उसमें सिल्ट एक्सप्लोडर लगे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करके
उन सब कंट्रोल करके सर आप वाटर और सिल्ट जो कैनाल में एंटर होने वाली है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो वाटर और सिल्ट जो कैनाल में हमारी एंटर करने वाली है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बात समझ में? ठीक है ओके सर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेड रेगुलेटर। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, हेड रेगुलेटर। ठीक है, हेड रेगुलेटर पानी और सिल्ट को कंट्रोल करता है। और ये जो क्रॉस फिल्टर, इसका काम क्या है, बहुत ध्यान सुनना। मान लो मेरी नदी में पानी कम है, भाई सुनना बहुत ध्यान से। मान लो मेरे भाई नदी में पानी कम है और मुझे कैनाल में पानी उतना ही भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इन गेट्स को बंद कर दूंगा। नदी में पानी कम हो रहा है तो यार इन गेट्स को बंद करके पीछे पानी का लेवल बढ़ा लो। भाई गलत बोल रहे हैं, नदी में पानी कम हो रहा है, गेट्स को बंद करके पीछे पानी का लेवल बढ़ा दो और बढ़े हुए पानी को भेज दो कहाँ, कैनाल में। तो बताओ कैनाल में कुछ पता चलेगा? नहीं। अब मान लो नदी में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरा केस लेते हैं, नदी में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। ठीक सर, नदी में पानी ज्यादा हो रहा है तो एक काम करो, इतना एक्स्ट्रा पानी मुझे कैनाल में भेजना नहीं है, तो क्रॉस रिवेटर खोल दो और सारा पानी बहा दो आगे, तो बचा हुआ पानी, थोड़ा कम पानी अपना कैनाल में चला जाएगा। कुल मिला के कैनाल में हमेशा डिस्चार्ज एक ही जाएगा, कैनाल में डिस्चार्ज एक ही जाएगा। नदी में पानी कम होगा तो गेट बंद कर देंगे, और नदी में पानी ज्यादा होगा तो गेट को खोल के एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कंट्रोल करता है क्रॉस रिवेटर का काम है कि हमारे कैनाल के अंदर एक बढ़िया फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, डिस्चार्ज में कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा ना आए। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख रहे हैं, क्रॉस रिवेटर मेन काम है टू मेंटेन द डिस्चार्ज इन कैनाल, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में ऊंची नीचे ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस रिवेटर बनाते हैं। ठीक है, ये तुम समझ सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज है। अगला मेरा क्या है सर, कैनाल स्केप। और सुन लो, कैनाल रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनाल रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो? कैनाल रेगुलेटर जो अपने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर आते हैं हमारा कैनाल स्केप। सर नाम से ही लिखा हुआ है स्केप। यार ये बताओ, जब भी कभी कैनाल में एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, ठीक है, जब भी कभी कैनाल में एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, देखो ये मेरा कैनाल जा रहा है, साफ साफ देखो यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कैनाल है, पानी इसमें बहुत एक्स्ट्रा हो गया, तो भाई अचानक से क्या होता है, मुझे पानी को एक रिमूव करना पड़ता है एकाएक। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एमरजेंसी एग्जिट या कैनाल स्केप। तुमसे को पूछे कैनाल स्केप क्या, तो तुम सिंपल सा क्या बोलोगे, कैनाल स्केप इज नथिंग बट सिंपली एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने की डिवाइस। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने के लिए स्ट्रक्चर हमने जगह जगह बना रखे हैं पूरे कैनाल में, उसको हम लोग बोलते हैं कैनाल स्केप। ठीक है, तो पानी भाई देखो अचानक से बढ़ा, देखो साइड में भाई तुमने क्या देख रखा, वियर, तुम देख सकते हो पानी को बढ़ा, तुमने यहाँ पे वियर दे दिया है, लेकिन ये कैनाल कैनाल के टॉप लेवल के ऊपर दोगे, कैनाल के टॉप लेवल थोड़ा ऊपर देते हैं ताकि पानी जब बढ़े सारा पानी बह के इधर आ जाता है भाई, सारा पानी बह के देखो साइड में अपना आ जाता है। इधर देखो तुमने स्टोन की पिचिंग विचिंग दी है ताकि इरोजन वगैरह ना हो। सिंपल, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। बस पानी अपना बढ़ेगा साइड में बह के निकल आएगा। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल स्केप। और ये पूरे कैनाल की लेंथ में जगह जगह लगे रहते हैं, जगह जगह लगे रहते हैं। ये जो नीचे देख रहे हो ये कैनाल का बेड लेवल है, ये कैनाल का बेड लेवल है। ठीक है, इसको ये एपरन बोलते हैं, ये स्टोन पिचिंग दी गई ताकि इरोजन ना हो। समझ गए सर, कैनाल स्केप। अभी देखो तीन सीख चुके हैं, कैनाल फॉल, दूसरा हमारा कैनाल रेगुलेटर्स। कैनाल रेगुलेटर्स आपने दो तरह के बता दिए हम लोग को, कैनाल रेगुलेटर्स आपने दो तरह के बताए। फिर सर हमने पढ़ा कैनाल स्केप, फिर भाई देखो कैनाल स्केप बनाया, वाटर इधर निकलता जा रहा है साइड में। अब सर आता है हमारा कौन, कैनाल आउटलेट। अब मेरा लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, कैनाल आउटलेट। सर ये होता क्या है भाई, सुनो, कितने बच्चों को याद है कि मैंने उन लोगों को पढ़ाया था कैनाल का नेटवर्क, कितने बच्चों को पढ़ा याद है मैंने कैनाल का नेटवर्क उन लोगों को पढ़ाया था, याद आ रहा होगा तुम लोग को, जरा थोड़ा देख लो, याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो याद आ ही रहा होगा, देखो जरा सुनो। तो सर आपने हम लोग को बताया था कि यहाँ देखना, रिवर होती है, रिवर से अपना मेन कैनाल मेन कैनाल निकलता है, मेन कैनाल के बाद ब्रांच कैनाल आता है, ब्रांच कैनाल के बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, और फिर हमारा जो यहाँ तक देखो राज्य सरकार कंस्ट्रक्शन करती है भाई, यहाँ तक हमारा राज्य सरकार कंस्ट्रक्शन करती है, और हमारा रिवर से पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट जाता है, रिवर से पानी पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, एकदम पूरी फील्ड में पहुंच जाता है, ठीक चारों तरफ, तो आउटलेट पहुंच जाता है पानी। अब आउटलेट के बाद क्या होता है यार, आउटलेट के बाद हमारे जो किसान होते हैं वो अपने हिसाब से पानी को यूज करते हैं, वो अपने हिसाब से कच्ची नालियां बनाते हैं, वाटर कोर्सेज बनाते हैं, छोटे छोटे वाटर कोर्स, जिससे उनकी फील्ड तक पानी पहुंच सकता है, जिससे उनकी फील्ड तक पानी पहुंच सके। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं आउटलेट, ये क्या है, देखिए सर ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे, बीच में कुछ पाइप वगैरह लगा होगा, पीछे डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, पीछे मेरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हो तुम, तो पानी अच्छे से भरा हुआ है, सरकार ने नदी से लेकर यहाँ तक पानी पहुँचा दिया, सरकार की जिम्मेदारी थी, स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाती भाई, स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है, शायद तुम लोग को आइडिया हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी यहाँ तक पानी पहुँचा रही है। अभी मेरा क्या आ गया भाई, आउटलेट, आउटलेट आ गया मेरा। ठीक है, और आगे मेरा क्या है, वाटर कोर्स, आगे मेरा भाई क्या है, वाटर कोर्स। ठीक है, तो ये वाटर कोर्स हो गया, कच्ची नालियाँ हो गई जिससे हमारा खेतों तक पानी पहुँच रहा है।
तो इधर डिस्ट्रीब्यूटर, इधर वाटर कोर्स, बीच में लगा पाइप, इसी पाइप को क्या बोल रहे हैं आउटलेट। तुमने देखा होगा बहुत सारे किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके भूसा फंसा देते हैं पीछे, ताकि क्या हो, तुमने शायद देखा हो कभी, ठीक है, यहाँ पे कभी भूसा फंसा दिया जाता है ताकि आउटलेट से पानी अंदर ना जाए। तो जब उनको पानी चाहिए होता है वो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, और जब पानी नहीं चाहिए होता तो इसको खोल देते हैं। इस तरह से चलता है सिस्टम, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है, समझ रहे हो। चलिए ओके सर, तो मतलब ये अपना क्या है, ठीक है। अक्षरा कह रही है कैनाल स्केप का पानी जाएगा फिर सर, ड्रेनेज में, ड्रेनेज में कैनाल का पानी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी ऑब्वियसली ड्रेन हो जाएगा फिर, ठीक। कैनाल का काम ड्रेन करने का नहीं है, कैनाल का काम है नदी से पानी को फील्ड तक पहुंचाने का, और ये पानी जाएगा ड्रेनेज में। ड्रेनेज काम है जितना भी पानी पूरा एरिया का है वो पूरे एरिया का पानी उठा के नदी में डाल दो, ये होता है बेटा अक्षरा ड्रेनेज का मतलब। तुम लोग को जब मैंने पढ़ाया था पूरा कैचमेंट एरिया दिखाया था तुमको, मैंने क्या बताया था कि उसमें जो भी जहां जहां ड्रेनेज हो रहा है, तुमने देखा था बहुत सारी स्ट्रीम्स थी उतर उतर के सब रिवर में आ रही थी, तो ये पानी सारा उन स्ट्रीम्स में जाएगा और अल्टीमेटली नदी में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो साइड स्लोप के अलावा, साइड स्लोप के अलावा, ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो आउटलेट के पीछे क्या है जरा कमेंट करो सब लोग, आउटलेट के पीछे क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी, और आउटलेट के आगे क्या है सर वाटर कोर्स। चलिए बात समझ गए। अब सुनो ये देखो लिखा हुआ है कैनाल आउटलेट का एक और नाम है मॉड्यूल, कैनाल आउटलेट को मॉड्यूल बोलते हैं। तो कैनाल आउटलेट एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो बिल्ड किया जाता है, जिसे हम बनाते हैं एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, मतलब वाटर कोर्स के ऊपर बनाया जाता है, ये अपस्ट्रीम बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को करंट कर सकें वाटर कोर्स के साथ, ताकि हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को और करंट कर सकें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बेसिन और ड्रेन सेम होते हैं भाई, ठीक है, चलिए सर ओके। उसके बाद ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है जो भी आपकी सरकार है और फार्मर्स के बीच में, ठीक है। आउटलेट पे ही सारा हिसाब किताब किया जाता है, बिल विल देखा जाता है जिनको पानी चाहिए होता है। तो भाई इधर देखो, इधर क्या अपना, इधर क्या पानी देखो भरा हुआ है, ये पूरा अपना कैनाल है, कैनाल के नीचे से देखो एक पाइप गई हुई है, ये पाइप देख पा रहे हो। हाँ सर, इधर फील्ड है, ये टेल है, ये हेड है, पानी इधर से इधर जा रहा है भाई, पानी इधर से इधर ना जा रहा है, नीचे नीचे। ये मेरा क्या बना है आउटलेट, ये मेरा क्या बना हुआ आउटलेट बना है सर। आउटलेट देखिए तीन टाइप के होते हैं, अब एग्जाम में गेट में क्वेश्चन आया हुआ है यार, तो थोड़ा जग जाओ, जरा ध्यान सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि आउटलेट कितने टाइप के होते हैं, और मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। देखो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन मॉड्यूलर, एक होता है मेरा सेमी मॉड्यूलर, और एक होता है मॉड्यूलर। बहुत कमाल की बात है ये, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। तीन टाइप के सर अपने आउटलेट होते हैं सर यहाँ पे, एक है मेरा नॉन मॉड्यूलर। सर नॉन मॉड्यूलर मतलब वो होता है जो जिसमें डिस्चार्ज दोनों तरफ के हेड पे डिपेंड करता है, दोनों तरफ मतलब पीछे डिस्ट्रीब्यूटरी आगे वाटर कोर्स, ठीक है, पीछे है डिस्ट्रीब्यूटरी आगे वाटर कोर्स, ठीक है। तो डिस्चार्ज डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफ बोथ साइड्स डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर। ये थोड़ा बेकार होता है यार, यार ये बेकार होता है, खुद सोचो दोनों तरफ के हेड पे डिपेंड करेगा यार, ऑब्वियसली बात है बड़ा बेकार हो जाएगा फिर। क्यों ये बताओ, तुम्हारे घर में अगर नल लगा है, मान लो नल नहीं लगा होता, मान लो नल ना लगा होता, पानी में टंकी में पानी भरा रहता है, मान लो अपनी वाटर टैंक में पानी भरा रहता है, तो पानी वहाँ पे हेड ज़्यादा है भाई, वाटर टैंक में पानी बहुत ऊपर है, और जहाँ नल का ओपनिंग है वहाँ पानी का हेड कम है, तो हमेशा पानी फ्लो होता ही रहेगा। खुद सोचो अगर नल ना हो, नल ना हो, जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज अगर दोनों हेड पर डिपेंड करेगा, तो भाई सीधी बात है हेड में डिफरेंस जब होगा, अगर हेड में डिफरेंस होगा, इधर पानी ज़्यादा है इधर पानी कम है, तो भाई पानी फ्लो होता ही रहेगा, पानी फ्लो होता ही रहेगा, तुम रोक नहीं पाओगे, रोकने के लिए कुछ डिवाइस नहीं लगी है, रोकने का कुछ नहीं है। ये इसको बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सबसे बेकार आउटलेट, क्योंकि सर पानी का फ्लो हमारे हाथ में नहीं है, पानी का फ्लो किसके हाथ में है, हेड डिफरेंस में है। पानी का फ्लो या डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन हेड, हेड में डिफरेंस होगा तो भाई पानी फ्लो करता रहेगा, और अगर हेड में डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये वही बात हो गई कि हमारे घर में नल नहीं है सर, पानी की टंकी पूरी भरी हुई है, और इधर जो हमारा जहाँ से पानी निकल रहा है वो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि टंकी पानी भरा हुआ है, क्योंकि वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में पानी भरा हुआ है, तो भाई यहाँ पे पानी बराबर फ्लो करता रहेगा। बात समझ में आई, तो पानी बराबर फ्लो करता रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, ठीक है। अगर इस तरह के सब पानी के फ्लो को अगर भाई रोकना है तुमको, पानी के फ्लो को अगर भाई रोकना है तो क्या करोगे, तुमको तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद से रोकना पड़ेगा, कपड़ा फंसा दो या मान लो भूसा लगा दो, यही सब चीज़ें फालतू करनी पड़ती हैं। अपने देश में बहुत कॉमन है फिलहाल कि सिर्फ एक ओपनिंग दे दी बस, बात खत्म हो गई, है ना, ओपनिंग दे दी बात खत्म। अब उधर वाटर कोर्स में जाएगा, फील्ड में पहुंच जाएगा, दिन भर फील्ड में बर्बाद होगा पानी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपन पाइप। थोड़े से अच्छे आते हैं आजकल, इससे थोड़े से अच्छे होते हैं कौन से, सेमी मॉडलर। सेमी मॉडलर में ये मान के चलो, सेमी मॉडलर में ये मान के चलो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसमें जो पानी का डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है पानी का फ्लो है,
वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की साइड पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के साइड वाले हेड पे डिपेंड करता है। मतलब उसका वाटर कोर्स में जो पानी है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इधर आप सर ऐसा कोई नल बनाते हैं या कोई ऐसा जुगाड़ बनाते हैं जिससे, या अगले नॉन वाटर आउटलेट क्या होता है जिससे हमारा डिस्चार्ज सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के हेड पे डिपेंड करे, तो वो मेरा सेमी मॉड्यूलर। सर देखिए, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में दोनों के हेड पे डिपेंड कर रहा था, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के हेड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला आता है सर, सबसे बढ़िया जो रिजिड होता है मेरा, जो मॉड्यूलर आउटलेट होता है, जो महंगा भी होता है काफी सर, वो तीसरा वाला इतना अच्छा है क्योंकि उसमें जो डिस्चार्ज है ना वो दोनों पे ही इंडिपेंडेंट है। उसे ना डिस्ट्रीब्यूटर के हेड से मतलब, उसे ना इधर के हेड से मतलब। इसको समझ लो नल, तुमने नल की हालत समझी कभी? बेटा नल की हालत तुम समझ नहीं पाओगे, बेचारा दिन भर बंद पड़ा रहता है नल, बेचारा दिन भर बंद पड़ा रहता है, बहुत परेशान रहता है वो, एकदम समझ लो दबाव में है, पानी पीछे से उसके एकदम चाह रहा है आगे आना। तुम समझ नहीं सकते हो नल के ऊपर कितना दर्द है। जो लोग नल का दर्द समझ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में नल का दर्द बयान करो यार, नल बहुत दर्द में है क्योंकि पानी टंकी पूरी भरी हुई है, पानी सर आगे जाना चाहता है लेकिन नल हमारा इतना स्ट्रांग होता है, टैप सबने टैप देखा है, उसी तरह से मेरा मॉडलर आउटलेट भी होता है। पानी पीछे चाहे कितना भी हो सर, पानी पीछे कितना हो आगे कितना हो, लेकिन पानी फ्लो तभी होगा जब नल खोलोगे। पानी भाई फ्लो तभी होगा जब नल को खोलोगे, यस और नो बताओ। जब तुम टैप को ओपन करोगे तभी पानी फ्लो करेगा, तो मतलब सबसे अच्छा क्या हुआ बताओ? जरा कमेंट कर दो यार, इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है सर? इन तीनों में मेरा मॉड्यूलर आउटलेट या रिजिड आउटलेट सबसे अच्छा है क्योंकि डिस्चार्ज हमारे कंट्रोल में आ जाता है सर, ठीक है, हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑन हेड ऑफ बोथ साइड्स, डिस्चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे गिब्स मॉड्यूल, खन्ना मॉड्यूल दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो गिब्स मॉड्यूल, खन्ना मॉड्यूल, इसमें सर क्या होता है, डिस्चार्ज आपका चेंज नहीं होता। और देखिए नल को हम लोग खोल सकते हैं अपने हिसाब से, और उसका जो डिस्चार्ज एक सर्टेन लिमिट में वेरी करता है, या तो डिस्चार्ज उसका जीरो रहेगा अगर बंद रहेगा तो, और उसको मैक्सिमम खोल देंगे तो मान लो 10 हो गया, मान लो 10 हो गया, ठीक है। तो नल का जो डिस्चार्ज है वो जब तुम खोलते हो टैप को, तो उसका नल का डिस्चार्ज एक जीरो से लेके एक परफेक्ट रेंज के बीच में रहता है। और वो रेंज किसके हाथ में है? क्या वो रेंज हेड पे डिपेंड कर रही है? क्या वो रेंज पानी पे डिपेंड कर रही है? नहीं, वो रेंज हमारे हाथ में डिपेंड कर रही है। ये बहुत ही अच्छे टाइप का आउटलेट होता है, इसको हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है बस, ठीक है। ओके, तो हमारा जो डिस्चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है बोथ साइड के हेड पे, और यहाँ डिस्चार्ज हमारी मर्जी से चलता है, हम जितना नल खोलेंगे उतना पानी आएगा अपना। तो डिस्चार्ज अपना कॉन्स्टेंट रहता है भाई, डिस्चार्ज अपना क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब सर ये हो गया कि डिस्चार्ज अगर कॉन्स्टेंट, का मतलब ये हो गया कि हमारा चेंज इन डिस्चार्ज, चेंज इन डिस्चार्ज क्या है, जीरो। क्यू इज कॉन्स्टेंट, क्यू डज नॉट चेंज हेड पे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं यार कि भाई पानी टंकी में पानी बहुत ज़्यादा भरा हो, पानी टंकी में पानी बहुत ज़्यादा भरा हो और सर उसको, तो पानी टंकी पानी में अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या प्रेशर लगा के नल टूट जाएगा क्या? नहीं, प्रेशर लगा के नल टूट जाता नहीं, ऐसे बनाया जाता है कि नल अपना पानी को होल्ड कर सके, पानी को होल्ड कर सके, अपनी हाइट कितना ही पानी पीछे भरा हो पानी को होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा आएगा। अब तुमने सिंपल सी पाइप लगा रखी है, उसमें कोई कंट्रोल तुमने दिया नहीं, पानी बह जा रहा है बह जा रहा है, तो वो तुम्हारा हो गया नॉन मॉडलर। थोड़ा कंट्रोल अच्छा कर दिया तो हो गया सेमी मॉडलर। और सबसे अच्छा अगर हो गया, सबसे अच्छा अगर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पानी पूरा पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। आप नल खोलेंगे तो पानी आएगा, नल बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे अच्छा कौन होता है, मॉडलर। ऑब्वियसली पैसा भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है, काफ़ी। तुम अभी इसको डिटेल मत जाओ, इतना जान लो, ठीक है। तुमसे एग्जाम पूछ सकता है नॉन मॉडलर, सेमी मॉडलर और मॉडलर, सबसे बेस्ट कौन सा है, मॉडलर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो टाइप्स हो गए। अब सर क्या है कि हमको जज करना है, हमको जज करना है कि हमारी जो आउटलेट की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। आउटलेट परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए हमको दो तीन टर्म पढ़ने पड़ेंगे, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। ये दो तीन टर्म हमको जरा पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये सब डेफिनेशन आ सकती हैं, तो हम लोग जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म सर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, यहाँ देखो क्या लिखा है फॉर्मूले में, फॉर्मूले देखो क्या लिखा हुआ है, डी क्यू बाई डी, डी क्यू बाई क्यू और डी क्यू बाई क्यू। देखो ऊपर हमेशा क्या आएगा, आउटलेट वाली साइड आएगी। देखो यार एक बार सुनो, पहले सर हमारे आउटलेट में दो साइड है, एक तो यार इधर आउटलेट वाली साइड वाटर कोर्स जहाँ से पानी निकल रहा है बाहर, ठीक है, एक साइड ये वाली है सर जी, एक साइड ये वाली है, और पीछे जो पानी भरा हुआ है वो हमारी साइड कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक मेरी आउटलेट वाली साइड है और एक मेरी डिस्ट्रीब्यूटरी वाली साइड है, ठीक है सर, दो साइडें हैं। अब यार सुनो, हम जो भी अभी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं उसमें आउटर वाली साइड, ठीक है, ठीक है, आउटर वाली साइड या वाटर कोर्स वाली साइड को रखेंगे न्यूमरेटर में, ध्यान सुनना यार, न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूटरी वाली साइड है उसको रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ देखो, अब देखो सर, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज मतलब डी क्यू बाई क्यू ऑफ आउटलेट मतलब वाटर कोर्स वाली साइड जहाँ से पानी निकल रहा है अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटरी साइड, जितना पानी डिस्ट्रीब्यूटरी से एंटर कर रहा है, पानी उधर से एंटर करेगा जैसे निकलेगा तो निकल कहाँ रहा है आउटलेट पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो दोनों के रेट ऑफ चेंज को अगर हम देखें तो उसको हम रेशियो को देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी सर देखो यार तीन टाइप की हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तीन टाइप की हो सकती है, लेस देन वन, इक्वल टू वन, मोर देन वन। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम वन वन से कम है, वन से कम है इसका मतलब न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तब मेरा आउटलेट होता है सब प्रोपोर्शनल, तब मेरा आउटलेट क्या कहलाता है, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। अगर फ्लेक्सिबिलिटी वन के बराबर मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये अपर टर्म और लोअर टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं तो कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, तब मैं बोलूँगा मेरा आउटलेट क्या है, प्रोपोर्शनल आउटलेट सर, तब मेरा आउटलेट कैसा है, प्रोपोर्शनल आउटलेट। और अगर मेरा फ्लेक्सिबिलिटी वन से ज़्यादा है, अगर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी वन से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ अगर फ्लेक्सिबिलिटी जीरो हो गई, बताओ फ्लेक्सिबिलिटी जीरो कब होगी, कमेंट करो जरा। सर ये कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, कैनाल में देखने को मिलेंगे, साइड में, राहुल जी कैनाल के साइड में बने रहते हैं ये, ठीक है, वाटर निकालने के लिए। एक बार गूगल पे टाइप करो तुरंत दिखाई दे देंगे सब, है ना, बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो सर फ्लेक्सिबिलिटी जीरो कहाँ होती है, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज हुई ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज कहाँ नहीं होता सर, रिजिड में, रिजिड या मॉड्यूलर आप बोल दीजिए, रिजिड सर अपना बढ़िया रहता है, उसमें डिस्चार्ज चेंज ही नहीं होता सर। जब डिस्चार्ज चेंज ही नहीं होगा तो डी क्यू जीरो हो जाएगा, डी क्यू जीरो हो जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी जीरो हो जाएगी। तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जीरो किसकी होती है, अब तुम खुद सोचो यार इन तीनों का अगर तुम अरेंज करोगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे कम होगी रिजिड वाले की, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, इसमें तो पानी ऐसा वेरी करेगा सर कि फ्लेक्सिबल ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा सर, आप समझ रहे हैं। तो रिजिड में फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जीरो रहेगी क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज होना ही नहीं है, है ना, डिस्चार्ज चेंज होता ही नहीं है, डिस्चार्ज एक प्रॉपर लिमिट में रहता है, जो भी आप चाहेंगे उस स्पीड पे आप उसको सेट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखना। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी तुम जज कर सकते हो कि कौन सा आउटलेट तुम यूज़ कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी से पता चल जाता है कौन सा आउटलेट तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ओके सर। फिर आता है मेरा क्या, सेंसिटिविटी, फिर मेरा क्या आता है सर, सेंसिटिविटी आता है, क्या होती है सेंसिटिविटी, देखिए सर सेंसिटिविटी देखिए, आपने पहले ही बोला था कि न्यूमरेटर मेरा आउटलेट आएगा और डिनोमिनेटर मेरा डिस्ट्रीब्यूटरी आएगी, तो न्यूमरेटर की साइड का देखो भाई क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर की साइड का क्या देख रहे हैं, वो आउटलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज देख रहे हैं, ऊपर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट या वाटर कोर्स वाली साइड में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर कोर्स आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड। अब देखो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में ऊपर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज लिया था, नीचे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज लिया था आउटलेट का और डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ले रहे हैं, नीचे लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड ले रहे हैं, दोनों में फर्क देख लो, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। जरा सा रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड होने से क्या पता डिस्चार्ज में बहुत भारी चेंज आए तो हम बोलेंगे बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, यहाँ पता, और क्या पता ऐसा हो सकता है कि पानी यहाँ पीछे डिस्ट्रीब्यूटर में कमी कम हो गया और डिस्चार्ज आगे ज़्यादा गया ही नहीं, ठीक है, है ना, और आउटलेट में पानी ज़्यादा गया ही नहीं तो हम बोलेंगे, आउटर पानी ज़्यादा गया ही नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कम सेंसिटिव, ठीक है। मतलब ज़रा सा पानी चेंज होने में कितना डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, यहाँ देखो जरा डायग्राम में समझो, ज़रा सा पानी कम होने में कितना डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है उसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। हल्का पानी मान लो कम हुआ, हल्का सा 1 मीटर पानी कम हुआ, एक बार डिस्चार्ज निकला 100 और एक बार डिस्चार्ज निकला 200, तो 100 वाले जब पानी निकला तो हमारा डिस्चार्ज कम सेंसिटिव है, और अगर पानी बहुत ज़्यादा निकला उतना ही हाइट कम होने में तो ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होगा, समझ गए, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, ओके। अब ऑब्वियसली बात है रिजिड मॉड्यूलर सेंसिटिविटी कितनी होगी, जीरो, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज होने नहीं है, डिस्चार्ज चेंज ही नहीं होगा, डिस्चार्ज एक कॉन्स्टेंट स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो तीन टाइप के अपने आउटलेट है, रिजिड, सेमी मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर, इन तीनों में जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम देख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी या सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और रिजिड के लिए सब कुछ क्या रहेगा, जीरो, रिजिड के लिए सेंसिटिविटी जीरो रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी जीरो रहेगी क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज नहीं होता है, ये ऑर्डर जरा याद रखना, तुमसे एग्जाम में ऐसा पूछा सकता है, ठीक है। राहुल कह रहे हैं आउटलेट इज अ टाइप ऑफ पाइप, हाँ बिल्कुल कह सकते हो बेटा राहुल, यहाँ देखो एक पाइपलाइनिंग है या एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग काफ़ी इंटरकेसिस यूज़ करके हम पानी को इधर से इधर पहुँचा सकते हैं। तुमको मैंने देखो राहुल आज समझाया था कि रिवर से पानी आउटलेट तक तो पहुँच जाता है, फिर उसके बाद खेतों तक कैसे जाएगा, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर खेतों तक पानी चला जाता है। जैसे तुम्हारे घरों तक यार पानी आता है ना, तो रोड के नीचे पाइप बिछे होते हैं भाई राहुल, समझना, रोड के नीचे पाइप होते हैं, फिर उन पाइप्स के थ्रू तुम पानी मोटर का यूज़ करके उस पानी को खींच के अपनी वाटर टैंक में चढ़ा देते हो, बताओ ये सब करते हैं कि नहीं घर में हम लोग, तो सेम उसी प्रकार से हमारे फील्ड तक पानी पहुंचाती है सरकार इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स के थ्रू, और जब पानी एंड तक पहुँच जाता है मतलब उनके खेतों तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर आउटलेट लगे होते हैं, बस आउटलेट को मैं एक तरह का मीटर समझ लो,
आउटलेट तो एक तरह का मीटर समझ लो, वहाँ पे हिसाब किताब किया जाता है, राज्य सरकार और किसानों के बीच में हिसाब किताब होता है, ठीक है। बहुत से किसान क्या होते हैं पानी को चोरी भी कर लेते हैं, है ना, मतलब अपने हिसाब से। तो मतलब चीज़ें अपने इंडिया में बहुत सारी चलती हैं, फिलहाल उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करनी अभी। तो रेट मॉड्यूल की सेंसिटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी सर जीरो है, सेमी मॉड्यूलर की और ज़्यादा और नॉन मॉड्यूलर की और ज़्यादा। बात समझ में आ गई होगी तुमको, ठीक है, कमेंट कर दो जल्दी से। इतना समझ में आ गया सब, इतना समझ में आ गया, बस इससे तुम्हारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी, और प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, हाँ, इट्स टाइप ऑफ रेगुलेटर ऑफ वाटर कह लो एंटरिंग इनटू द फील्ड। ये तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, एंटरिंग इनटू द फील्ड, यहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है। ये सब तुम्हारा है कैनाल आउटलेट, देख सकते हो, ठीक है, चलिए सब समझ गए हो। अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है तुमसे, प्रोपोर्शनैलिटी तो तुम ना, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सिंपल ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आउटलेट में और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर में बराबर हो गया है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क से समझते हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी जो है एग्जाम में काफी पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान दिए रहना यार, है ना। तुमको जितना पढ़ा है ना, सब इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ज्यादा डेप्थ में पढ़ा भी नहीं रहे अभी, ठीक है, मतलब वर्ग का सब कवर कर लो सब, ठीक है। ओके सर, तो अपना क्रॉस ड्रेनेज सर होता क्या है, देखो भाई होता क्या है कि तुमको मैंने बताया था ये मेरा कैचमेंट एरिया था, याद आ रहा होगा कैचमेंट एरिया था। ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो ये कॉन्टूर लाइन्स हैं, ये जो येलो देख रहे हो ये रिज लाइन है, पढ़ाया था यार पूरा ऊंचाई की है। जैसे मान लो तुम्हारी एक प्लेट है, एक कटोरी है इस तरह से, और ऊपर से वो नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, पानी हमारा उसमें नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो येलो येलो इसकी हायर मोस्ट लाइन हो गई, और कंटूर समझते हो यार, देखो ये ब्लू वाला कंटूर देख रहे हो, ठीक है, और जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ये तुम्हारी क्या है, फ्लो लाइन्स, ठीक है, ये क्या हमारा फ्लो लाइन्स। ओके, तो ये हमारी कॉन्टूर हो गई सर, ये हमारी कॉन्टूर हो गई, ये हमारा क्या हो गया, फ्लो लाइन्स हो गई, ये फ्लो लाइन्स हो गई, ठीक है, फ्लो लाइन्स, फ्लो लाइन्स, बस सिंपल सी बात। अब होता क्या है, हमारा जब कॉन्टूर है, जो कॉन्टूर है और जो फ्लो लाइन्स है, पानी हमेशा क्या करेगा भाई, कॉन्टूर का परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, सबको पता है। ये बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रीम्स है जो अल्टीमेटली जाके मेरी मेन नदी में मिल जाएंगी, मेरी मेन नदी में मिल जाएंगी, ठीक है। तुमको डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ था, एक बार चाहो तो देख सकते हो जल्दी से, ठीक है। एक बार तुमको डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है सब कुछ, हर एक चीज़ तुम लोग को बहुत ही डेप्थ मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है। कहाँ गया भाई डायग्राम हमारा, मिल जाओ भाई जल्दी से, अब मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं, समझ गए, यही सब दिखा ये रहा। देखो ये रहा, ये तुमको मैंने पढ़ाया था एक ज़माने में, याद आ रहा होगा तुम लोग को, कैचमेंट एरिया के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, है ना। कैचमेंट एरिया कई सारे नाम होते हैं, वाटर शेड, ड्रेनेज एरिया, बेसिन, सिंक, वाटर डिवाइड लाइन, ये सब देख सकते हो। तो ये जो तुम रेड वाला देख रहे हो ये तुम्हारा ऊंची ऊंची लाइन है भाई, ये तुम्हारी सबसे ऊपर की लाइन है, रिज बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, रिज लाइन, यहाँ देख सकते हो, है ना, रिज लाइन बोलते हैं। और पानी वो देखो नीचे फ्लो करेगा यार। अब देखो होता क्या है ना, कॉन्टूर और स्लोप हमारी परपेंडिकुलर होती है, अल्टीमेटली सारा पानी बह के नीचे नदी में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैली लाइन, खाड़ी लाइन है ना। तो यहाँ तुम देख सकते हो, अब ध्यान देना जरा सर, जब हमारा कॉन्टूर लाइन पे हमारा कैनाल बना होगा, अगर हम कॉन्टूर कैनाल बनाएंगे तो कॉन्टूर कैनाल और जो ये ड्रेन्स जा रही हैं सारी, ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जा रही हैं, कॉन्टूर कैनाल और ये ड्रेन्स आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, और जब ये करेंगे इंटरसेक्ट तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, समझ रहे हो। ओके सर, तो आप जरा आ जाते हैं वापस अपने इरीगेशन के ऊपर, ठीक है, वापस जरा आ जाते हैं अपने इरीगेशन के ऊपर, कहाँ गए भाई, कहाँ पहुँचे थे, ये रहा, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की सर हम लोग जरा बात कर लेते हैं अब, तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कैनाल एंड एनी नेचुरल स्ट्रीम या ड्रेन या रिवर। तो भाई देखो, हमने कंटूर के यहाँ तक अगर तुम थोड़ा देखो ध्यान से यार, थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लो यहाँ, तो सर देखिए ये जो आपका ब्लू लाइन है ये आपका कंटूर्स है सर, कंटूर पे आपने कैनाल बना दिया, कंटूर पे सर आपने कैनाल बना दिया रेड रंग का, ये कैनाल देख रहे हो। अब ये कैनाल क्या हो रहा है सर, ये जो कैनाल है ये कैनाल आपका स्ट्रीम के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, देखो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, मेरा कैनाल भी पानी फ्लो कर रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो एरिया है इंटरसेक्शन का, यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कैनाल वाला पानी आराम से फ्लो कर सके और स्ट्रीम वाला पानी अलग से फ्लो कर सके, दोनों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, दोनों पानी मिक्स भी ना हो, दोनों पानी मिक्स भी ना हो, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये मेरा कैनाल है और ये मेरी स्ट्रीम है, दोनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो जब भी इंटरसेक्शन अगर होगा हमारा, जब भी यार इंटरसेक्शन होगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कर रहे हैं क्रॉस। अब कितने टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क मेरे होते हैं, बहुत ध्यान सुनना भाई, कितने टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क मेरे होते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो देखिए सर, जनरली जो है 5-6 टाइप के हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 पढ़ने मेनली, ठीक है, मुझे मेनली 4 पढ़ने हैं। पहले तो यार देख लो जो तुम्हें नहीं पढ़ना है पहले हमारा, ठीक है। हाँ काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे, इसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तुम एक बात समझ लो, क्रॉस ड्रेनेज वगैरह जब भी हम लोग बना देते हैं ना सर, तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रो केनाल में, कॉन्ट्रो केनाल बहुत सारी स्ट्रीम को कट करता है, और जब वो स्ट्रीम को कट करेगा ना सर, जब वो स्ट्रीम्स को कट करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि हमको हर जगह क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना पड़ेगा। ओके अब सर बताइए लेवल क्रॉसिंग क्या होता है। देखो यार बात समझना, आप देखो जरूरी नहीं है तुम्हारी जो स्ट्रीम आ रही हो, तुम्हारा जो केनाल आ रहा है, वो दोनों एक ही लेवल पे आके मिल जाए। मान लो इधर से स्ट्रीम आ रही थी, इधर से केनाल आ रहा था, मान लो केनाल ऊपर आ गया, मान लो केनाल ऊपर ऊपर रहा, स्ट्रीम नीचे नीचे रही, है ना। स्ट्रीम का पानी तो अपने आप फ्लो कर रहा है, केनाल का पानी भी अपने आप फ्लो कर रहा है, लेकिन मान लो वो दोनों आके इंटरसेक्ट करे, वो थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, लेवल अलग हो गया। कभी कभी होता है लेवल सेम भी हो सकता है, कभी कभी ड्रेन ऊपर हो सकती है, तो कभी कभी ड्रेन ऊपर हो जाए, कभी कभी केनाल नीचे हो जाएगा, तो इस तरह से हो सकता है भाई, कुछ भी लेवल में चेंज आ सकता है, कभी कभी लेवल मैच हो सकता है, ठीक है। तो लेवल अगर मैच हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है, देखो लेवल क्रॉसिंग हम लोग तब बनाते हैं जब हमारा कैनाल का बेड और ड्रेन का बेड सेम लेवल पे हो, दोनों सेम लेवल पे आके मिले, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, ऐसा जनरली चांसेस कम रहती हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल हिप ऑफ स्टेप बता रहे हो, अच्छा बिल्कुल। तो क्या है सर, यहाँ पे हमारा जो पानी है कैनाल का और जो ड्रेन का, ये दोनों का लेवल अलग अलग हो सकता है, ये दोनों का लेवल अलग अलग हो सकता है। इधर से अपनी स्ट्रीम आएगी जिसका लेवल अलग होगा, और इधर से अपना कैनाल आएगा जिसका लेवल अलग हो सकता है। अब सुनो यार, दो केस बनते हैं सर मेरे यहाँ पे, क्या पता कभी कैनाल ऊपर हो ड्रेन से, क्या पता कभी ड्रेन ऊपर हो कैनाल से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। हमको फिलहाल ये 4 नाम याद करने हैं, कैसे याद करें, एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांस है, थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि गेट में आया हुआ है यार इससे, ठीक है। तो कभी कभी कैनाल ऊपर रहता है, कभी कभी हमारा ड्रेन ऊपर रहता है। अब जरा देखो, कैनाल जब ऊपर रहता है तो मेरे दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक होता है एक्वीडक्ट और एक होता है साइफन एक्वीडक्ट। और जब ड्रेन मेरा कैनाल के ऊपर होता है तो मेरा बनता है सुपर पैसेज, और मेरा बनता है साइफन। अभी मैं तुमको नाम भी याद करा दूंगा, तो वो ट्रिक से सब बताऊंगा, क्वेश्चन भी देखेंगे समझ जाओगे, ठीक है, ट्रिक से याद कर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे भी सब कुछ समझ आ जाएगा तुमको। ओके तो सुनिए सर, कैनाल जब ड्रेन से ऊपर है तो दो चीज़ें हो सकती हैं सर। देखिए डायग्राम में बहुत साफ साफ बना हुआ है सब कुछ, ये मेरा शानदार कैनाल है सर, देखिए ये मेरा कैनाल है, मुझे दिख रहा है सर कैनाल। नीचे देखो ये कैनाल का बेड लेवल है, बहुत ध्यान से देखना कैनाल का क्या है बेड लेवल, थोड़ा देखो जरा ध्यान से। हाँ बेटा SSC JEE में भी आएगा ये, बिल्कुल है अक्षय, देख लो इसको, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राहुल कह रहा है कॉन्टूर कैनाल लाइन बना क्यों रहे हैं। हाँ नहीं नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं राहुल, तुम बोल दो नहीं बनाएंगे, तुम बोल दो यार, राहुल कैसी बात कर रहे हो, नहीं बनाएंगे हम। ये देखिए सर कैनाल का बेड लेवल है सर, कैनाल का, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बनेगा तो क्या होगा, अगर बनेगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, कभी कभी मजबूरी में काम करने पड़ जाते हैं बहुत सारे, समझ रहे हो। बनाना कौन चाहता है, लेकिन इंजीनियर तो हर चीज का रास्ता होना चाहिए ना अपने पास राहुल, है कि नहीं। तो सर ये अपना कैनाल का बेड लेवल है, ये कैनाल का फुल सरफेस लेवल है, फ्री सरफेस लेवल है, उसका जो फुल सप्लाई लेवल होता है वो है ये FSL, टॉप सरफेस है। और सर नीचे से देखिए ड्रेन निकल रही है, नीचे देखिए ड्रेन, देखो ये कैनाल का बेड हो गया, ये मेरा ड्रेन का बेड हो गया सर। सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि ड्रेन हमारा नीचे है, कैनाल हमारा ऊपर है। सर एक बात सुनो जरा, ट्रिक सुनो, ट्रिक ये है कि कभी भी कैनाल ऊपर है ड्रेन नीचे है तो उसको हम बोलेंगे एक्वीडक्ट, उसको भाई हम क्या बोलेंगे एक्वीडक्ट, सुन लो बहुत ध्यान से। आप देखो सर कैनाल अगर ऊपर है, कैनाल का बेड लेवल, ठीक है, कैनाल का बेड लेवल अगर ऊपर है, ठीक, किससे, कैनाल का बेड लेवल अगर ऊपर है ड्रेन से तो उसको हम बोलते हैं एक्वीडक्ट, ठीक है। उसमें उस समय देखो कैनाल ऊपर है ड्रेन से, किससे, कैनाल के बेड, ये कैनाल का बेड लेवल की बात हो रही है, कैनाल के बेड लेवल की बात हो रही है, उनका जो बॉटम मोस्ट सरफेस उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ कैनाल ड्रेन से ऊपर है, लेकिन कैनाल का बेड हमारा ड्रेन से, ड्रेन के बेड से ऊपर है, और अगर यहाँ पे ड्रेन की बात हो रही है ऊपर है तो हम बोलेंगे ड्रेन का बेड हमारा कैनाल के बेड से ऊपर है, ये तुम समझो सिस्टम, ठीक है। चलिए ओके सर, तो ड्रेन का बेड सर यहाँ पे नीचे। अब देखो यार ड्रेन में जो पानी भरा है, ड्रेन में जो फुल सप्लाई लेवल है या हाई फ्लड लेवल है भाई, अपनी जो स्ट्रीम है उस समय जब मैक्सिमम पानी फ्लो कर रहा है तो पानी का लेवल यहाँ पे है। अब पानी का लेवल तुम देखो, बताओ सब लोग कमेंट करता हो, पानी का लेवल क्या कैनाल को टच कर रहा है, पानी का लेवल क्या कैनाल को नीचे से टच कर रहा है कि नहीं, यस और नो बजा कमेंट करो, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ क्या मेरा ड्रेन का हाई फ्लड लेवल कैनाल की बेड को नीचे से टच कर रहा है कि नहीं, बताओ कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कैनाल का बेड लेवल ऊपर है और ड्रेन का जो फुल सप्लाई लेवल है, ड्रेन में जब पानी एकदम पीक पे चल रहा है, ड्रेन में हाई फ्लड लेवल है, तो ड्रेन का हाई फ्लड लेवल नीचे कम है, तो हम बोलेंगे सिंपल सा पानी
पानी आराम से एक्विडक्ट से, इसको बोलते हैं एक्विडक्ट, और पानी आराम से पास हो जाएगा, पानी भाई आराम से पास हो जाएगा। ये हमारे क्या है, पियर्स हैं। अरे यार तुमने ब्रिजेस देखे हैं कि नहीं, ब्रिज देखा है तो नीचे पियर 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 रहता है और फिर पानी बीच से पास होता है, दो पियर के बीच में दो कॉलम अपने हैं, दो कॉलम हैं उसके बीच से पानी पास होता है कि नहीं, बस सिंपल सी बात है ना, पियर्स के बीच से पानी पास होता है। ओके अब सर अगला बताइए, अगला देखो, इसी में कैनाल अब भी ऊपर है और ड्रेन अब भी नीचे है, लेकिन पानी का लेवल नीचे स्ट्रीम में पड़ गया, मान लो नीचे पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, यहाँ तक पहुँच गया पानी, मान लो पानी यहाँ, तो मान लो यहाँ पहुँचते, इतना पानी भर गया भाई, अब क्या होगा, अब जब इतना पानी बढ़ जाएगा ना सर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, अब ये पानी अंदर जाएगा बहुत प्रेशर में जाएगा सर, अंदर इतना प्रेशर होगा ना सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे आके बाहर निकलेगा एकदम से, पानी अंदर अंदर जाके ऐसे घुस रहा है और पूरा प्रेशराइज्ड वे में आगे चल रहा है भाई, प्रेशराइज्ड वे में आगे चल रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, अंदर पूरा प्रेशराइज्ड वे में आगे बढ़ेगा, इसको हम लोग बोल क्या रहे सर, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ड्रेन का हाई फ्लड लेवल। अब जरा बताओ, ड्रेन का पानी, ड्रेन में जो पानी था वो कैनाल के बेड से ऊपर निकल गया भाई, कैनाल के बेड से ऊपर निकल गया, अब क्या पानी को जबरदस्ती दब के अंदर जाना पड़ रहा है, फिर आगे बाहर निकलेगा, प्रेशर में आ गया कि नहीं बताओ, पानी बताओ, कमेंट करो, पानी प्रेशर में आ गया, और अब क्या होगा कि जो नीचे वाला पानी है, जो नीचे वाला पानी है वो हमारे कैनाल को बेड को टच कर गया, कैनाल के बेड को ऐसा धक्का मिलेगा ऊपर, कैनाल के बेड को ऊपर ऐसे फोर्स मिलेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सर, अगर कैनाल खाली हुआ, कैनाल में वेट नहीं हुआ ऊपर, तो क्या पता कैनाल उड़ जाए, क्या पता कैनाल उड़ जाए, समझ रहे हो, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अच्छा इस समय जब मेरा ड्रेन का फ्लड लेवल, ड्रेन में पानी बहुत ज़्यादा रहता है और कैनाल में बेड, कैनाल का बेड नीचे रहता है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, जो स्ट्रीम है या जो नदी है उसमें पानी एकदम भरा हुआ है, बाढ़ आ गई है सर, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, साइफन एक्विडक्ट, तब हम इसको क्या बोलेंगे, साइफन एक्विडक्ट, ठीक है, तो एक्विडक्ट साइफन एक्विडक्ट, देखो साइफन का मतलब जानते हो क्या है, तुम एक बात समझ लो, देखो यहाँ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक पहले सीख लो, जब भी कभी पानी नीचे से टच कर जाएगा भाई, जब भी कभी वाटर नीचे से टच कर जाएगा तो उसको हम साइफन बोलेंगे, ठीक है, वाटर टचिंग फ्रॉम बॉटम, वाटर इन टच, जब भी कभी बॉटम से पानी टच कर जाएगा तो उसको हम साइफन बोलेंगे। और एक्विडक्ट कब यूज करते हैं सर, एक्विडक्ट हम तब यूज करते हैं जब कैनाल ऊपर है हमारा, कैनाल का बेड ऊपर है भाई ड्रेन के बेड से, इससे तुम्हें नाम याद हो जाएंगे, देखो इससे तुम्हें नाम याद हो जाएंगे, एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा तुमको, कितना ही कंफ्यूज करें, चार ऑप्शन देंगे तुम समझ लोगे, ठीक है सर, कैसे जरा बताइए थोड़ा, देखिए देखो यार, यहाँ कैनाल ऊपर है, यहाँ ड्रेन नीचे है, कैनाल ऊपर ड्रेन नीचे, देखो एक्विडक्ट एक्विडक्ट तो आ गया दोनों बार, दोनों बार चाहे भाई, देखो पानी चाहे टच करे चाहे पानी ना टच करे, लेकिन कैनाल मेरा ड्रेन से ऊपर है ये बात तो सर एकदम श्योर है, पानी टच करे चाहे ना करे, कैनाल हमेशा ड्रेन के ऊपर है, तो सीधी सी बात यह है एक्विडक्ट तो लगने लगना है, और जिस दिन पानी टच कर जाए सर, जिस दिन मेरा ड्रेन का पानी टच कर जाए कैनाल के बेड को, उस दिन सर आप यहाँ पे साइफन चिपका दीजिए, बस बात खत्म हो गई, साइफन चिपका दीजिए, ठीक है, तो साइफन लगेगा तब जब हमारा पानी हाई प्रेशर में फ्लो करेगा और वापस आके बाहर निकल आएगा, ठीक है, लेकिन इस समय क्या होता है, अपलिफ्ट फोर्स काफी हाई होता है हमारा कैनाल के ऊपर, काफी अच्छा फोर्स लगता है ऊपर, ठीक है, ओके सर आगे बात करते हैं जरा, अब सर क्या करिए, ड्रेन को कर दीजिए ऊपर, कैनाल को कर दीजिए नीचे, अब देखो डायग्राम सर 50 बार नहीं बनाएंगे सर, 50 बार डायग्राम नहीं बनाएंगे सर, इसी में थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको कर देंगे ड्रेन, ये जो ऊपर अपना है कैनाल, इसको ड्रेन कर दो मान लो, अब कैनाल को मान लो ड्रेन, और ड्रेन को मान लो क्या, ड्रेन को मान लो कैनाल, उल्टा कर दो बस, और कुछ थोड़ी करना है, ठीक है, अब सर ड्रेन जब ऊपर है, अब मान लीजिए ड्रेन ऊपर है कैनाल नीचे है और पानी टच नहीं कर रहा, कैनाल का पानी ड्रेन के बेड को टच नहीं कर रहा भाई, कैनाल का पानी ड्रेन के बेड को टच नहीं कर रहा, ठीक, तो ड्रेन का बेड लेवल अभी ऊपर है, लेकिन कैनाल में जो फुल सप्लाई लेवल है, कैनाल जब पूरा पूरा भरा हुआ है तो उसका पानी टच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर पैसेज, ड्रेन ऊपर ही ऊपर निकल गई, जो अपनी नाली आ रही है, नदी आ रही है, तो छोटी मोटी धारा आ रही है, स्ट्रीम आ रही है, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सुपर पैसेज, क्या बोलते हैं, कमेंट कर दो जल्दी से, क्या बोलते हैं उसको, सुपर पैसेज को, लेकिन सर अगर, लेकिन कैनाल में पानी अगर बढ़ गया सर, मान लीजिए कैनाल में पानी बढ़ गया, तो कैनाल के अंदर पानी प्रेशर में जाएगा अंदर, और अंडर साइफोनिक एक्शन बाहर निकल के आएगा, ठीक है, जब भी पानी प्रेशर में फ्लो करता है उसको हम लोग साइफोनिक एक्शन बोलते हैं, ठीक है, पानी अपने आप जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में खींच जाता है, ठीक है, वेरी गुड, तो पानी टच नहीं कर रहा है, ड्रेन का बेड लेवल ऊपर है, कैनाल का फ्री सरफेस लेवल, फुल सप्लाई लेवल हमारा नीचे है, तो ऑब्वियसली पानी टच नहीं करेगा, तो उसको हम सुपर पैसेज बोलेंगे, लेकिन मान लो अगर पानी बढ़ गया, कैनाल का पानी अगर हम, ठीक है, अगर कैनाल का पानी हम बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे ड्रेन के बेड को टच कर जाएगा, और जब ड्रेन के बेड को
टच कर जाएगा, ड्रेन के बेड को टच कर जाएगा तो ऑब्वियसली पानी प्रेशर में आ जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, साइफन। ठीक है, और देखो मैंने तुमको क्या बोला, साइफन शब्द तब यूज करेंगे जब कैनाल पानी टच होगा। साइफन शब्द हम तब यूज कर रहे हैं जब पानी क्या होगा, टच होगा। तो कभी ड्रेन ऊपर हो सकता है, कभी कैनाल ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है। पानी टच करेगा तो साइफन यूज करेंगे, पानी टच नहीं करेगा तो एक्वीडक्ट और सुपर पैसेज। ये चार नाम अगर तुमको याद हो गए तो बात हो जाएगी खत्म। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लोग देखेंगे और तुम बताना कौन सा ड्रेनेज वर्क हमारा सूटेबल है। राहुल जी का डाउट आ रहा है, ठीक है। राहुल कह रहे हैं इनको रियल एग्जांपल चाहिए। ठीक है भाई राहुल, तुमको रियल एग्जांपल देते हैं। तब तक एक काम करो राहुल, तुमको रियल एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। पहले तुम बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सब याद कर लोगे नहीं राहुल, पहले इतना बता दो, है ना। रियल एग्जांपल तुमको दिखा देते हैं किस तरह से क्रॉस हो रहे होंगे, चिंता ना करो। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग पानी के लेवल। तो देखो यार राहुल इतनी बात समझ लो, पानी के लेवल कहीं भी जा सकता है, पानी के लेवल नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, पानी के लेवल टच भी कर सकता है, नहीं भी टच कर सकता है, ये तो बात तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो पानी टच करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा कैसे थोड़ा देख लेते हैं यार। तुमने केनाल कभी ऊपर हाइट पे नहीं देखे हैं? चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो पहले फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन है तुमको दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन से लोग देखो, तब तक जरा मैं एक बढ़िया सी इमेज ढूंढ लेता हूँ। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे देखेंगे जरा, ठीक है, क्वेश्चन को देखो, तुम लोग बढ़िया से एक इमेज दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा शानदार ढंग से। जरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो यार, इमेजेस यार बढ़िया दिख नहीं रही हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। लो यही देख लो फिर, क्या बताएं, इसी को देख डालो। बहुत मुसीबत है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी। कहाँ गई यार इमेज, बड़े मुसीबत है यार, बहुत मुसीबत हो गई है, एक इमेज नहीं सेव हो पा रही सही से। अच्छा
अब समझ गए। ये देखो भाई, ये देखो इमेज तुम्हारी आने वाली है। इमेज आई भी तो देखो कितनी बड़ी, बताइए यार। ये देखो इमेज यार, चलो ठीक है। हाँ गूगल कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यार, ये है अपना सिस्टम। पानी देखो बहरा इधर भी, पानी देखो बहरा उधर भी। देख लो कौन राहुल कहाँ है, राहुल है कि चले गए। ये देखो यार, ये देखो ऊपर अपना पानी फ्लो कर रहा है, ऊपर अपना केनाल जा रहा है, देखो बढ़िया केनाल, ठीक है। और नीचे देखो, यहाँ देखो पानी फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड में पानी फ्लो कर रहा है, देख लो। पानी फ्लो होते हुए दिख रहा है कि नहीं सबको, पानी फ्लो होते हुए दिख रहा है कि नहीं। ऊपर पानी जा रहा है उधर, थोड़ा पानी साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पानी है यहाँ पे, मेरी आंखों से देखो पानी है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे से पानी इधर निकल रहा है अपना, ठीक है। चलो अब तुम यार ये बताओ मुझे, अभी बताओ ये जो पानी का लेवल है, देखो कैनाल के बेड को टच करा नहीं, कैनाल का बेड देखो मान लो यहाँ पे है, मान लो कैनाल का बेड यहाँ पे इसके टॉप पे है लेकिन पानी भी नीचे है, तो ये हमारा क्या है। मान लो कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है, ठीक है, ड्रेन इधर जा रहा है, कैनाल ऊपर जा रहा है, और ड्रेन जो है पानी कैनाल के बेड को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ड्रेन जो है, ड्रेन, ये ड्रेन देख रहे हो, ये बताओ कैनाल के बेड को टच करा नहीं, जगह रह गई, देखो जगह रह गई कि नहीं यहाँ पे थोड़ी। वैसे तो पूरा आधा से ज्यादा तो भरा ही हुआ है, ये आधे से तो भरा हुआ है लेकिन यहाँ पे देखो जगह रह गई है कि नहीं। तो जगह रह गई तो बताओ जरा इसका क्या नाम होगा, बताओ इसका क्या नाम होगा। इसका नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा एक्वीडक्ट। ये एक्वीडक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है संदीप राठी, वेरी गुड, ये एक्वीडक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, क्लियर। और अगर मान लो ये पानी एकदम टच कर जाता है यहाँ पे, ये पानी मान लो एकदम टच हो जाता है ऊपर तक, तो हमारा क्या होता है, साइफन एक्वीडक्ट। तो इस तरह से हमारे ये होते हैं भाई, ये हमारे होते हैं एक्वीडक्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसको जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। अब तुमको समझ में आ गया होगा सब। हाँ बस ब्रिज की तरह है लेकिन ऊपर ही पानी है नीचे, बिल्कुल सही बात है भाई अक्षरा, वेरी गुड, सिंपल सा होता है एकदम, हमको लगा तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। हाँ पानी टच कर जाएगा तो हमारा क्या होता है, साइफन एक्वीडक्ट हो जाता है। बस जरा देखो यार यहाँ पे क्या है, केनाल का जो बेड बेड लेवल है, केनाल का बेड लेवल 120 दिया है, ये देखो 100, ये मेरा मान लो डेटम है, ये मेरा मान लो डेटम है भाई। इसको थोड़ा क्वेश्चन को इधर काम करते हैं, ये देखो क्वेश्चन, सर ये हमारा डेटम है, केनाल का जो बेड है वो 120 मीटर ऊंचाई पे है, और जो ड्रेन का बेड है, देखो ड्रेनेज का जो बेड है वो 116 मीटर ऊंचाई पे है। तो ये देखिए, ये मेरा ड्रेन का बेड, ये मेरा केनाल का बेड। पहले ही सर ऐलान हो चुका है कि ड्रेन नीचे है और केनाल ऊपर है। सर जब ड्रेन नीचे है और केनाल ऊपर, तो एक्वीडक्ट तो आना ही आना है, एक्वीडक्ट तो आना ही आना है, कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे, ये तो पहले समझ में आ गया, ठीक है। ये तो सर पहले ही समझ में आ गया हमको। तो सर देखिए आप, पहले तो आप जो है ये साइफन और सुपर पैसेज हटा दीजिए, एक्वीडक्ट वाले में से कोई एक आंसर होगा क्योंकि हमारा कैनाल ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब सर आगे देखिए, आगे सर देखिए ड्रेन में कितना पानी भरा है, ड्रेनेज में पानी भरा है 10 मीटर। सर 116 से 10 मीटर और पानी भर दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे 126 पे, ठीक है। और कैनाल में कितना पानी भरा है, सर कैनाल में पानी भरा है 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बताओ कैनाल के बेड में पानी टच करेगा, जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा, पानी का लेवल 126 पे है और कैनाल का बेड 120 पे है, पानी का लेवल 126 पे है, कैनाल का बेड 120 पे है, तो पानी यहाँ पे ऐसे प्रेशर के साथ अंदर जाके बाहर निकलेगा भाई, है ना। बताओ बात समझ में आ रही है, पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया सर, कैनाल का बेड नीचे हो गया, तो पानी ऐसे फ्लो करेगा, पानी टच करते हो जाएगा, पानी साइफोनिक एक्शन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो ऑब्वियस यहाँ पे ड्रेन का हाई फ्लड लेवल ऊपर है, ड्रेन का हाई फ्लड लेवल ऊपर है और कैनाल का बेड नीचे हो गया, तो यहाँ पे पानी टच करेगा, और जब टच करेगा है ना, तो हमारा हो जाएगा साइफन, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइफन एक्वीडक्ट, तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो इमेज हमने देखा वो एक्वीडक्ट था, तो देखो सीधी बात, सीधी बात, कैनाल हमारा, कैनाल का बेड ड्रेन से ऊपर निकल गया, कैनाल का बेड ड्रेन से ऊपर निकल गया। दूसरी चीज, ड्रेन का हाई फ्लड लेवल, ड्रेन का हाई फ्लड लेवल मतलब ड्रेन में जो पानी है वो कैनाल के बेड से ऊपर निकला, कैनाल में, कैनाल के बेड से ऊपर निकला, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइफन एक्वीडक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइफन एक्वीडक्ट। आई होप तुम इस तरह क्वेश्चन जो आएंगे छोटे मोटे कर ले जाओगे, ठीक है। कैनाल में बहुत ज़्यादा सा पानी फ्लो हो रहा है, और नदी में देखिए आप जो ड्रेनेज है उसमें काफ़ी पानी फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को निकाल लोगे। अब जल्दी से कमेंट करो कि भाई इरिगेशन समझ में आ गई, क्रैश कोर्स को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, सारी बेसिक चीज़ें मैंने तुम लोग कवर करा दी हैं। और भाई जिन बच्चों को इरिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इन जिन बच्चों को इरिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो सब अब कहाँ होंगे, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे कहाँ पे भाई, ऑब्वियसली स्पेशल क्लासेस में, ऑब्वियसली स्पेशल क्लासेस में तुमको सारे क्वेश्चन करा दूंगा जनवरी के अंदर। तुम यकीन करो मैं तुमको प्रीवियस क्वेश्चन गेट के सारे बहुत अच्छे सोल्यूशन के साथ समझा दूंगा, ठीक
ठीक है, जितना भी हो पाएगा। हमारी पूरी टीम जो गेट चैनल के ऊपर है वो सब लोग प्लानिंग कर रही है कि जनवरी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बच्चों को करा दें। तो सारे बच्चे यार अच्छे से यूट्यूब पे और अनअकैडमी की ऐप पे स्पेशल क्लासेस फॉलो करना। अगर तुम लोग ज़्यादा मात्रा में रहोगे, ज़्यादा संख्या में रहोगे, तो हम लोग का मोटिवेशन बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सर लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से तुम लोग जुड़े रहो, सब लोग ऐसे ही प्यार देते रहो बढ़िया से। और इसके साथ हमारा ये क्रैश कोर्स समाप्त हो गया है। थैंक यू एवरीवन। और देखो आज की क्लासेस क्या क्या होने वाली समझ लेना, आज की क्लासेस क्या क्या होने वाली समझ लेना जल्दी से। इरिगेशन क्रैश कोर्स अब होता था ये अपना खत्म हो गया, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, जरूरत नहीं है, गेट में इतना हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के PYQs तुम्हारे 11 बजे चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में और स्पेशल क्लास में क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना है जनवरी भर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के PYQs आज हम लोग 11 बजे करने वाले हैं। इसका लिंक भाई तुमको टेलीग्राम चैनल मिल गया है, नोट्स में यही वाले इरिगेशन के यही नोट्स मैं तुम लोग को भेज देता हूँ अभी। कहाँ पे देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल में सब पढ़ा हुआ है यार, अगर तुमको नोट्स ही चाहिए, ठीक है, नोट्स ही चाहिए सिर्फ अगर, तो भाई सारे बच्चे क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल चेतन सर CS10 टेलीग्राम खोलो, सर्च करो चेतन सर CS10। ठीक है, एक ग्रुप आएगा, चैनल आएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उस चैनल के अंदर क्लिक करो चैनल पे, ठीक है, और फाइल्स में जाओ, फाइल्स के अंदर देखना, वहाँ तुमको इरिगेशन के नोट्स, ठीक है, सब कुछ तुम्हें मिलेगा वहाँ, सब कुछ इरिगेशन के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये यूट्यूब वाली PDF नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये मैंने नहीं डाली थी, मुझे याद आ रहा है ना, तो वो ये भी डाल देंगे, चिंता ना करो, ये भी पहुंचा देंगे। अब भाई सारे बच्चे हम लोग 11 बजे देखो प्रोबेबिलिटी के PYQs होंगे, आ जाना, बहुत टफ टफ मेडिकल करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मजा आएगा तुमको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा हम दोनों लोग को बढ़िया से। और यूट्यूब पर 4 बजे तुम्हारा न्यूमेरिकल चल रहा है, वो शाम को चलता रहेगा, क्वेश्चन वोश्चन चल रहे हैं उसमें भी अपना, ठीक है। और 9 बजे रात में बूस्टर सेशन होगा गेट का, इसमें हम लोग सॉइल के क्वेश्चन चला रहे हैं, आज कंसोलिडेशन और फाउंडेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो टेक केयर एवरीवन, सब लोग अपना ख्याल रखो, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा ये क्रैश कोर्स समाप्त हो रहा है, नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ थोड़ा देख लेना जरा। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पे संदीप पूछ रहे हैं हिंज क्या, कहाँ पे लिखा है बेटा हिंज संदीप, चलो डाउट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम देख लेना। बाकी कमेंट ये टेलीग्राम में देखो, जिसको भी जो डाउट पूछना हुआ अगर, वैसे अगर तो सब बच्चे टेलीग्राम में डिस्कस ग्रुप बटन आता है ना, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस बटन आता है टेलीग्राम चैनल में, उस डिस्कस को क्लिक करके अपनी क्वेरीज वहाँ पे छोड़ दिया करो। ठीक है, तो चलो ख्याल रखो, हम तुम लोग को नोट्स भेजते हैं फटाफट। थैंक यू, मिलते हैं अब 11 बजे प्रोबेबिलिटी के PYQ से, वहाँ तुमको PYQ में हम लोग करेंगे। और लिंक तुमको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे या अनअकैडमी के ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पर लिंक चला जाएगा। चलो टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।